प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने कहा कि नोवल कोरोना वायरस से बचने का उपाय सावधानी बरतना है। यह समय राजनीति से परे एकजुट होकर इस समय महामारी से लड़ने का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से भी बचना होगा तथा संयम व सूझबूझ की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन से इस महामारी की शुरुआत हुई है, लेकिन चीन ने इस बीमारी को छिपाया न होता तो हालात इतने गंभीर न होते। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, ज्यादातर घरों में ही रहें ताकि कोरोना वायरस ज्यादा लोगों में न फैले, क्योंकि हमारे पास आधारभूत बुनियादी ढांचा उतना नहीं है कि इस बीमारी के फैलने पर उसको नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस समय सोशल मीडिया ही ऐसा साधन है जिसके जरिए हम जागरूकता फैला सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। उनके ऊपर तब तक विश्वास न करें जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि न हो, क्योंकि आधारहीन अफवाहों से भी समाज में तनावपूर्ण माहौल बनता है जो कि ज्यादा घातक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वयं को बचाने के साथ ही अपने आसपास भी पूरी सजगता बरतें। उन्होंने अभिभावकों से भी आह्वान किया है कि अपने छोटे बच्चों पर ज्यादा नजर बनाए रखें। अभिषेक राणा ने कहा कि अगर समाज स्वस्थ होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। वैश्विक स्तर की इस महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी को सभी लोगों को फॉलो करना जरूरी है। नमस्कार साथियों, देश व विदेश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। यह महामारी की जो बीमारी है ये पूरे विश्व के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है। हिंदुस्तान भी इसमें अछूता नहीं रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एहतियात बरत रही है, अपना काम कर रही है, गाइडलाइन पास की गई हैं, लोग घरों में रह रहे हैं और अन्य सारी चीजें जो सरकार बता रही है या हम इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग एहतियात बरतें, खुद भी बरतें, बाकियों को भी बताएं। और दूसरी तरफ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब ऐसे माहौल में सोशल मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर जैसी चीजें जो बहुत मजबूत हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं, तो ऐसे समय में जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है उससे ज्यादा रफ्तार से अफवाहें फैल रही हैं। बीमारी खतरनाक है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक उसके प्रति जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो ज्यादा खतरनाक है। तो कृपया करके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अन्य प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, कोई भी ऐसी चीज फॉरवर्ड ना करें जिसकी कोई पुष्टि ना की गई हो। एक तनावपूर्ण माहौल समाज के अंदर ना पैदा हो, ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। आज हम लोगों को कोरोना से तो बचना है, लेकिन उसके प्रति जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं तेजी से, उसके प्रति भी हम लोगों को सतर्क रहना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि कोरोना से तो बचिए, लेकिन अफवाहों से भी बचिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से एसंख्य रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।